कल रात को 9 बजे हमारा गैस सिलेंडर खाली हो गया। अब गैस सिलेंडर तो कल रात को ही खाली हुआ है, लेकिन इसका दिमाग तो पैदा होने के बाद से ही खाली है। कोई भी इसको कम दिमाग वाली लड़की नहीं बोलेगा। अब देखो, कल रात को ही गैस खत्म हुई थी तो सुबह इंस्टेंट में गैस सिलेंडर कहाँ से आ सकता था। तो आज सुबह का खाना कड़कती ठंड में चूल्हे पर ही बनाना पड़ेगा। अब सबसे पहले सेखा रोटियां बनाएगी, तो मैंने उससे कहा कि आज रोटियों के साथ साथ पराठे भी मिल जाए तो भाई मजा आ जाए। लेकिन पता नहीं ये गुस्सा क्यों हो गई। अब देखो, चूल्हे पर खाना बनेगा तो अग्नि के बेटे धुएं का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब मैंने उससे कहा, चल तू बाजू हट, तेरा भाई गोल गोल रोटियां बनाएगा। फिर मैंने एक लोई ली और लग गया रोटी बेलने में। अब गोल रोटी का तो पता नहीं, लेकिन रोटी का पोस्टमार्टम करना सीख गया। रीना मैथी की भाजी काट रही थी, तो इस बार मैंने रीना से कहा, चल तू साइड हट, ये सब करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब मुझे ये विश्वास भी नहीं हो रहा था कि मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर फाइनली मुझे वो काम मिला जिसे मैं थोड़ा बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। अब मुझे अपनी जिंदगी में सबसे बेकार काम लगता है कपड़े धोने का, रोना ही आ जाता है। दोपहर को मेरी अन्नदाता ड्राई फ्रूट्स को और ज्यादा ड्राई करने की कोशिश कर रही थी, तो मैं भी इन्हें सिखाने में मम्मी का साथ देने लगा। पर यार पता नहीं मम्मी ने मुझे करने से रोक क्यों दिया। खैर, बड़ा पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।